शेर है, और शेर के जिए का तरीका कुत्ता ना सिखा सकेला। ए हीरो, ए ये क्या हो रहा भाई? शहंशाह। भैया हो जरूर जाई है देखे, बहुत मजा आई, एकदम चाँप के एकरा में एक्टिंग कर ले वाली, और उड़ उड़ के मरले ही, एकदम छाती पर चढ़ के विलन लोगन का मुंह तोड़ दे ले है। तो भैया मजा लिया जाके, और कबो निराश ना करनी, और यो बेर जो 5 तारीख के शहनशाह आवा था, एकरो में निराश ना करब जहिया, कहे कि गाना ऑलरेडी कर बहुत टॉप पे चला था, गाना के बहुत प्रेम दिला, तब सिनेमा हॉल में ही सिनेमा आवा था, तो जहिया और एक पूरा मजा से अपने भैया का पिक्चर देखिए, खुश हो जाइब देख के, हर हर महादेव, फिर ना कहो कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। जय हो। कोरे रंग बदनिया पगुल बिया रंग सड़िया, बड़ा नीमन लागेला, बड़ा नीमन लागेला, रूपवा चान के आय छोरिया मोरा मनवा मोहेला, रूपवा चान के आय छोरिया मोरा मनवा मोहेला। अंजना और हमारी जोड़ी हमेशा बड़ी लकी रही है, हमारी फिल्म जब भी साथ आती है बहुत चलती है, और इसकी स्टार कास्ट बहुत बड़ी है। सो ऑन द होल एक बड़े बजट की फिल्म आ रही है, और मेरी फिल्म काफ़ी समय के बाद आ रही है, तो एक दर्शकों को बहुत अच्छा एक एंटरटेनमेंट और रवि किशन उनका उनको देखने मिलेगा, जिसको मैं उन लोग मुझे कई साल से देख के इंजॉय करते हैं। पैसा वैसा देबा तो हाफ मर्डर फुल मर्डर तगड़ी तोड़ा मुंह तोड़ा, ये हमरा के पैसा दिए ना, अब हम कहा दबंग जीत ले लहर जंग, सारी दुनिया में बात हो रे बोल बाला हो, जिया जिया हो, जिया जिया हो, जिया जिया हो बिहार के लाला। शहंशाह कमर्शियली मसालेदार, बेहतरीन संगीत के साथ, फुल पैसा वसूल, और हल्का फुल्का सा मैसेज है, ज़्यादा प्रीचिंग टॉर्चर नहीं है, परिवार को लेके, माता बाप और बेटे का, कुणाल भी और मेरे एक संबंध है फादर इंसान के, एक सस्पेंस है, इस पुलिस को बहुत ऊंचाई पे रखा गया है, पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस की ड्यूटी को। सो ऑन द होल हम लोग की एक अच्छी प्लानिंग है, और फाइनली हम लोग रिलीज पर आ गए, हम लोग इसको 5 मई को रिलीज कर रहे हैं। केस की इंक्वायरी के लिए हम एक काबिल अफसर की नियुक्ति कर चुके हैं सर। तब तू हवा मिस्टर शहनशाह, जन हमारे इलाका में छुट्टा साड़िया सबके सिंह मारत घुमत बड़ा। शहनशाह की अगर हम बात करें तो अभी फिल्म का क्लाइमेक्स आ गया है, रिलीजिंग पे है, रिजल्ट आने वाले हैं। 5 मई को बिहार में हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, बहुत ही एक्साइटेड हैं हम लोग अपनी फिल्म को लेके, क्योंकि फिल्म बहुत अच्छी बनी है, बहुत ही प्यारी फिल्म बनी है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है, और इस फिल्म में आपको एक डिफरेंट स्टोरी दिखेगी, एक डिफरेंट वे में सारे किरदारों को प्रेजेंट किया गया है। और रही बात मेरे किरदार की, तो मैंने इस फिल्म में एक गांव में जो फूल बेचते अपने घर को चलाने के लिए, गरीब लड़की है, अपना घर चलाने के लिए मंदिरों में जाके, सबके घरों में जा कर के फूल देती है, तो मैंने इस फिल्म में एक फूल वाली का रोल किया है, जो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। आप लोग जब देखेंगे उस किरदार को उस स्क्रीन पे, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बाप ये हमरा से तक ले रहे, और तू देन मटक्का करत आरू हुसैन साहब से। पहले औरत के इज्जत करे का तरीका सीख। मत पूछा सजना कारण हमरा मुस्कुराए के, हाँ मत पूछा सजना कारण हमरा मुस्कुराए के, मत पूछा सजना कारण हमरा मुस्कुराए के, हाँ हमर तरीका तोहरा दिल में समाए के, हाँ हमर तरीका तोहरा दिल में समाए के। ओ
सजनी कारण हमरा इतराए के मत पूछा सजनी कारण हमरा इतराए के यहाँ हमर तरीका तोहरा दिल में समाए के यहाँ हमर तरीका तोहरा दिल में समाए के मत पूछा सजनी कारण हमरा इतराए के जो नाक से ही कजरी के देख ले बा बेटा लग दे जाओ केमिस्ट्री तो नो डाउट मेरी रवि जी की केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी है ऐसा लोग बोलते हैं कुछ तारीफ नहीं करनी चाहिए तो पहली फिल्म में भी लोगों ने हमारी केमिस्ट्री को बहुत सराहा और भी जो हमारी फिल्म में रवि जी के साथ आ चुकी हैं उनमें भी लोगों को हमारी रवि जी की जोड़ी बहुत पसंद आई और पूरी उम्मीद है कि शहनशाह में भी लोगों को हमारी और रवि जी की जोड़ी बहुत पसंद आएगी। शहनशाह का म्यूज़िक बहुत अच्छा है बहुत अलग है इसका म्यूज़िक दिया है एस कुमार जी ने काफ़ी अच्छे गाने बनाए हैं उन्होंने और इस फिल्म में जैसे हमारी कल्पना जी हैं बहुत अच्छी सिंगर उन्होंने बहुत अच्छी बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा गाना गाया है और लोगों को म्यूज़िक बहुत पसंद आ रहा है इसमें गाना है मेरा और रवि जी को फिल्माया गया है गाना सैया देखना इसी नज़र से साड़ी सर के लहमरी कमर से धक धक धड़के ला छाती जैसे लोहरा के भाती पानी पानी भइल देहिया डर से सैया देख नाइस नजर से साड़ी सर के लहमरी कमर से थैंक यू सैया देख नाइस नजर से साड़ी सर के लहमरी कमर से सैया देख नाइस नजर से साड़ी सर के लहमरी कमर से धक धक धड़के ला छाती जैसे लोहरा के भाती धक धक धड़के ला छाती जैसे लोहरा के भाती पानी पानी भर दहिया डर से के तौर पे बहू जी आखिरी बानी काहे ना बहू जी के रास्ता से हटा दिया जाओ स्वामी धर्मानंद तोरा के हम नीचा रह के ओकरे नियंत्रण पाए हमरा लाइव ब्रो हम यहां पे हावन रस लाइव समझ के आ तुम के चालक बा पर जाना पीछा हमरा आ, 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 आ हमरा चोली अपने पर ले के लाई कहे ना मान टाइम पे आ रे के फिल्म के बारे में क्या कहूं इसका टाइटल ही बता देगा कि जो जिसका नाम ही शहंशाह वो वाकई में शहंशाह फिल्म होगी और बहुत जिगर वाले हमारे प्रोड्यूसर विवेक जी बगल में बैठे हैं और साथ में इनके सह निर्माता रोहित जी इन लोगों ने भी बड़ी मेहनत की है सिर्फ प्रमोशन और रिलीज़ के समय ही नहीं जब से ये फिल्म बननी शुरू हुई है तब से इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया ऐसे ऐसे लोकेशंस जो बहुत कम फिल्मों में दिखाई देते हैं या कहानी के मुताबिक कौन सी जगह होनी चाहिए वो इन लोगों ने मेहनत करके ढूंढा जो कि फिल्म को नया रूप देगा और बाकी इस फिल्म के जान हम लोगों के सबसे चहेते रवि किशन जी हैं नायक अंजना खूबसूरत बड़ी मेहनती लड़की इस फिल्म की नायिका है मैंने भी एक किरदार निभाया है और बहुत सारे मजबूत कलाकार इस फिल्मों के एक ज़बरदस्त पिलर हैं फिल्म बहुत अच्छी बनी है पूरे परिवार के साथ देखने लायक फिल्म है और उससे बड़ी बात यह है कि सामाजिक बुराइयों को इसमें एड्रेस किया गया कि कैसे एक नायक समाज की बुराइयां जो आज हमारे समाज में फैला है कैसे एक एक करके तोड़ता है ये इस फिल्म की खासियत होगी और रही बात रिलीज़ की तो जैसे फिल्म बनी है धमाकेदार अच्छी प्रदर्शन भी उतनी ही मजबूती से हम लोग करेंगे दर्शकों के बीच में जाएंगे अपनी बात उनसे कहेंगे कि आप फिल्म क्यों देखें आखिर दर्शकों को ये बताना पड़ेगा तो हमारी फिल्म में ये खासियत है इसलिए देखिए आम फिल्मों की तरह नहीं है और मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि भोजपुरिया दर्शक इस फिल्म को सराहेंगे
केस की इंक्वायरी के लिए हम एक काबिल अफसर की नियुक्ति कर चुके हैं सर। तब तू हवा मिस्टर शहनशाह, जो हमारे इलाका में छुट्टा साण नियन सबके सिंग मारत घुमत बड़ा। हमार बेटा तो हमार मान मर्यादा कुल मिट्टी में मिला के रख देना। दर्को से यही अपेक्षा है, दर्को से यही अपील है हमारी कि आपके बीच में मैं भी आया हूँ। बहुत समय से इस चीज़ों को कराने करते करते आज इन चीज़ों को क्रिएट करके रेडी किया है और आप सबका प्यार मुझे चाहिए। सदी के महानायक हैं कुणाल जी, कुणाल भैया के साथ बैठना एक बड़ा सौभाग्य है। मैंने इनके साथ काम किया ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। रवि जी, रवि किशन जो ऑलरेडी शहनशाह हैं, उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। काम करना एक गौरवान्वित बात थी मेरे लिए। तो इन लोगों के साथ भी इतना सपोर्ट मिला है, इतना सारा कुछ मिला है। जनता से भी वही चाहता हूँ कि जितना सपोर्ट मुझे मेरे स्टार कलाकार ने दिया, इन सभी के महानायकों ने दिया, बाकी हमारी टीम में अंजना है, प्रियंका पंडित हैं, रवि शेखर हैं जो अभी लॉन्च हो रहे हैं इस पिक्चर से, बहुत सारे लोग हैं जिनको जिन्होंने पूरा सहयोग दिया, अवधेश मिश्रा जी हैं, राजन मोदी जी हैं, तो सारे लोगों का बहुत सहयोग रहा इस फिल्म को बनाने के लिए। और अब दर्शकों से ये है कि इस फिल्म को हमने बहुत मेहनत और बहुत मशक्कत से बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। आप सबका प्यार मिले, आप सबका आशीर्वाद मिले और ये फिल्म धूम मचा देनी चाहिए। रवि जी का जो इतने साल के बाद में अभी ये पिक्चर काफ़ी टाइम के बाद में आ रही है, जो रवि जी का टीम बना हुआ है कि रवि जी स्टार कलाकार हैं और एक्शन में माहिर हैं, तो वो एक्शन, वो इमोशन सारे कुछ फिल्मों में आपको देखने को मिलेगा। अगर उकरा के बुला देब ना तो तुहार आगे से हूँ और पीछे से पून निकल जाए। ए रे ए, ये क्या हो रे भाई? शहनशाह।